आज मैं आपके लिए 125 सीसी का स्कूटर लेकर आया हूं, जो कि कम पीता है और इसका नाम है सुजुकी एक्सेस 125। इस स्कूटर में कुछ नई अपडेट हुई हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये स्कूटर उपलब्ध कहाँ है। तो ये मिलेगा आपको अवध सुजुकी अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर सुजुकी की किसी भी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर को खरीद सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस स्कूटर के अपडेट के बारे में। तो देखने से ही आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ भाई, इसमें नया कलर का अपडेट हुआ है, जो कि आइस ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें अब आपको मिलने लगा, जो कि नीट एंड क्लीन और काफ़ी प्रोफेशनल देखने में आपको लग रहा होगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप साइड से देख लें थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं। और आप यहां पर देखेंगे, ये इसका फ्रंट लुक है सुजुकी एक्सेस 125। यहां पर आप देखेंगे ये है आइस ग्रीन और ये है वाइट। तो वाइट और आइस ग्रीन का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। सुजुकी का लोगो जो है वो 3D में है। यहां पर आपको इंडिकेटर और यहां पर आपको DRL मिल जाती है। यहाँ पर ये DRL है, यहाँ पर इंडिकेटर हैं और इसमें मेटल का आपको मडगार्ड मिलता है और जो कि आइस ग्रीन में है। और बाकी इसके एलॉय व्हील आपको सिल्वर में मिलते हैं और इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो भी सिल्वर में है। तो अगर आप इस स्कूटर को देखेंगे तो इसमें तीन कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सिल्वर है, वाइट है और आइस ग्रीन है, और साथ में सीट इसकी जो हल्की सी मेहरून है। तो चार कलर कॉम्बिनेशन में ये स्कूटर आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग राय अपनी ज़रूर दें। थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करते हैं तो फ्रंट में आप देखेंगे तो इसमें फुली LED लाइट का सिस्टम मिलता है, जिसमें क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ये स्पेशल एडिशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिसमें आपको क्रोम साइड व्यू मिरर मिल रहे हैं। तो अब मैं आपको इसमें राइट साइड से दिखा दूँ एक बार। इधर से हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिखे क्योंकि भाई अंधेरा है, और मैं आपको उधर से दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। लेकिन आप इसकी बैक लाइट का डिज़ाइन देख लें, इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक मिलता है, मतलब बैठे बैठे ही आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। इसमें ऐसे आपको खोलना पड़ेगा। और ये है इसकी बैक लाइट और इंडिकेटर का डिज़ाइन, और पीछे से इसका डिज़ाइन काफ़ी शार्प बनाया गया है। और अब आप इधर से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेस 125 राइड कनेक्ट एडिशन ये है। और यहाँ पर ग्रैब रेल आप देखेंगे तो ये भी आपको सिल्वर कलर में मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो डैशबोर्ड एरिया है ये मैट वाइट है, जो कि जैसे ग्रीन और वाइट के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। तो ये तो हुई इसके मॉडल और डिज़ाइन की बात, अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो इसमें आपको ये नया कलर जो कि आइस ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है, ये पहला अपडेट ये हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस स्कूटर में मिल जाती है, और पहले से ही ये स्कूटर कम पीता है इसके लिए तो फेमस ही है। और मैं सबसे पहले इसके फीचर्स को दिखाना शुरू करूं तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। ये है भाई सुजुकी एक्सेस 125 की चाबी। और यहाँ पर आप देखेंगे इसको, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और उसके लिए फिर आपको इससे खोलना पड़ेगा इसकी चाबी से। और ध्यान रहे, ये हिस्सा इसका नीचे होना चाहिए और ये खुल चुका है, और यहीं से आप इसकी सीट खोल सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी सीट खुल गई है। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा जैसे स्टोरेज मिल जाता है, पीछे यहाँ पर सीट लॉक होती है। डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट ऑन दिस पार्ट, मतलब आपको यहाँ पर कोई भी सामान इसमें नहीं रखना है, नहीं तो जैसे सीट लॉक करने में आपको मतलब दिक्कत हो सकती है। और बाकी इसकी सीट स्टोरेज लगभग 21.8 लीटर की इसमें आपको सीट स्टोरेज मिल जाती है। छोटा मोटा हेलमेट रख सकते हैं, घर का कोई भी सामान इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। और इसको बंद करते हैं, अब यहाँ से इसके फीचर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ से इंजन किल की स्विच, और यहीं से आप इस स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडलाइट को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे भाई, इसमें फुली LED लाइट का सिस्टम मिलता है, और इसमें क्रोम का भी पार्ट दिया गया है, जिससे देखने में अच्छी लगे। और यहाँ से इसकी हाई बीम और लो बीम को ऑन ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ कैसी लगी। और पीछे से आप इसकी बैक लाइट को देख लें, ये है। इंडिकेटर को ऑन करके दिखाता हूँ, ये है इंडिकेटर। और मैं पीछे भी आपको दिखा दूँ, ये है इसके इंडिकेटर का डिज़ाइन। अब आते हैं मेन फीचर्स की तरफ, लेकिन मेन फीचर्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप अपना मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी सामान रख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, जिसमें ब्लू कलर की लाइट भी जल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आते हैं भाई इसके यहाँ पर, इसके डैशबोर्ड पर, जो कि
इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है, वो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता है और वो भी नेविगेशन के साथ मिलता है। जरा मैं बंद करूँ और ऑन करूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, कॉल, एसएमएस, ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, कोई भी फ़ोन आएगा। और जैसे आप यहाँ से करेंगे तो बीटी पेयर मोड, तो मतलब आप इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं, कॉल, एसएमएस, ये सारी चीज़ें तो मिलेगी। इसके साथ साथ आप अगर इनके एप्लीकेशन में जाएंगे तो इसमें जो आरपीएम है, मतलब आप उसको जैसे स्पीड पर सेट कर देंगे कि इतने स्पीड के बाद आपको अलर्ट आना चाहिए मीटर से, तो वो भी आप अलर्ट को इसमें सेट कर सकते हैं। और ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये वाली जब आपकी आपका स्कूटर कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपको बताएगा, बाकी टेम्परेचर सारी चीज़ें ये बता रहा है, हाई बीम, इंजन चेक लाइट, और यहाँ पर ये इंडिकेटर, यहाँ पर ये भी जैसे कोई स्कूटर में प्रॉब्लम होगी तो ये ब्लिंक करेगी 5 बार। बाकी इको मोड यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, ये इको, जब आप इको मोड में इसको चलाएँगे तो आपका स्कूटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देने की कोशिश करेगा। तो अगर देखा जाए तो जैसे घड़ी भी है, यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, जैसे ये किलोमीटर है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये आपकी घड़ी भी, अरे मतलब बैटरी की वोल्टेज भी ये आपको बता रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको टाइम भी ये स्कूटर बता रहा है, तो मतलब फुली फीचर्स के साथ ये स्कूटर आपको मिल रहा है। अब कुछ और स्पेक्स की बात करें भाई, तो इधर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, लगभग 190 या 200 mm की इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, 90-90-12 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, मतलब 12 इंच के एलॉय व्हील इसमें आपको आगे मिलते हैं और पीछे आपको 10 इंच के एलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। मैं इधर से दिखा दूँ, सीएट कंपनी के टायर हैं, 90-100-10 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 10 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं, किक भी इसमें आपको मिलती है। और इसमें अब आपको नया सेंसर मिलने लगा है, क्योंकि ये मीटर पीछे से ही चलेगा भाई। साइलेंसर की क्वालिटी ऐसी है, अब जरा एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी साउंड सुना दूं आपको, तो ये है इसका साउंड, सुजुकी एक्सेस 125 का। अब इसके अलावा जैसे इसमें आपको मिलता है, ये एक्सेस 3D में लिखा हुआ है, राइड कनेक्ट एडिशन है, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, और सुजुकी इको परफॉर्मेंस, मतलब इनकी जो आप जिक्सर देखते हैं या किसी भी इनकी बाइक में जो ये सुजुकी इको परफॉर्मेंस होती है, वो टेक्नोलॉजी आपको इस स्कूटर में मिल जाती है, क्योंकि भाई ये कम पीता है ऐसा कंपनी ने बताया है। बाकी इसमें 124 cc का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 8.7 HP की पावर मिलती है 6750 RPM पर, और 10 Nm की टॉर्क मिलती है 5500 RPM पर, और ये बेल्ट ड्राइव है, इसलिए आपको इसमें सिर्फ एक्सेलरेट करना है और ये स्कूटर आपका चलने लगेगा। वहीं अगर हम इसके सीट हाइट की बात करें तो भाई इसमें आपको मिलती है 773 mm की सीट हाइट, 160 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और 1265 mm इसका बील बेस है, वजन मात्र है 103 किलोग्राम का, और 5 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 125 cc का स्कूटर है, लेकिन मात्र ये 103 किलोग्राम इसका वजन है, 125 cc का इंजन है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें फ्यूल इंजेक्शन लगा होगा, वजन कम होगा, तो ये आसानी से चल पाएगा और फिर आपको माइलेज ज़्यादा इसमें मिल पाएगी। तो इसीलिए इसको माइलेज का जैसे कि बताया जाता है कि भाई ये कम पीता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, अब आते हैं हम मेन टॉपिक, प्राइस की बात करते हैं। तो लगभग 1,09,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है अवध सुजुकी पर। आप यहां पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं या फिर सुजुकी की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। माइलेज की बात करें तो लगभग 50 तक की माइलेज मिल जाएगी अगर आप इको मोड में चलाते हैं, और अगर आप बहुत रफ राइडिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कम मिल सकती है, वो आपकी राइडिंग कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो ये स्कूटर कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको जरूर खरीदें, और मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।